नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे कि 2% डीए जो अपना बढ़ा है जुलाई में, जो अपन को एनपीएस कर्मचारी को कैश अकाउंट में जमा होना है और जो जीपीएफ कर्मचारी हैं उनके जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा, उस 2% डीए का डिफरेंट जो एरियर अपन किस तरीके से बनाएंगे पे मैनेजर पर, वो इस वीडियो में इस प्रोसेस को पूरी देखेंगे आप। यहाँ पर पे मैनेजर ओपन आफ्टर टैग टू मेन साइट, यहाँ पर पे मैनेजर, यहाँ पर सबसे पहले अपन बिल एलोकेट करेंगे। यहाँ पर बिल प्रोसेसिंग में बिल एलोकेशन, बिल एलोकेशन के लिए यहाँ पर कैटेगरी में चॉइस करेंगे अपन। यहाँ पर डीए, क्योंकि अपन को डीए का एरियर बनाना है। यहाँ पर बिल सब टाइप में कुछ भी नहीं आएगा और ऑब्जेक्ट हेड में यहाँ पर 01, यहाँ पर मंथ ईयर और डेट जो डली हुई है ऑलरेडी, यहाँ पर बिल नंबर्स अपन सबमिट करेंगे बिल रजिस्टर के अनुसार, और जिस हेड का बिल अपन को बनाना है उस हेड को चॉइस करेंगे सबमिट। यहाँ पर बिल रजिस्टर डिटेल एडिट सक्सेसफुली, ओके। अब यहाँ पर वापस अपन जाएंगे बिल प्रोसेसिंग में डीए प्रिपरेशन, इसको क्योंकि अपन को डीए का एरियर बनाना है, यहाँ पर डीए एरियर को सेलेक्ट करेंगे। अक्टूबर मंथ, यहाँ पर ईयर 2018, बिल नेम जो अपन ने अभी अभी सेलेक्ट किया है, पे कमीशन यहाँ पर 7 पे कमीशन को सेलेक्ट करेंगे, और ऑर्डर यहाँ पर सबसे नीचे लास्ट में जो पहले 7% 25 डीए था, अब ये 9% 2% इंक्रीज हुआ है, उसका अपन को एरियर बनाना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर डीए ईयर 2018, और यहाँ पर अपन को देखना है कि कौन से मंथ से डीए लागू हुआ है, अपना जुलाई से लागू हुआ है, और जुलाई और दूसरा जो मंथ है जुलाई अगस्त का अपन को ड्यू है, और 1 सितंबर से अपन को कैश मिला था, शो डाटा जो इन कर्मचारी, जैसे इसमें जितने भी कर्मचारी हैं वो आपके आ जाएंगे यहाँ पर शो डाटा करते ही। यहाँ पर ऑल जो लिखा हुआ है इसमें समस्त कर्मचारी ये आ जाते हैं, और जो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उन कर्मचारियों को सेलेक्ट करेंगे जिनका डी एरियर बन रहा है, क्योंकि कई कर्मचारी इसमें प्रोवेशन में भी चलते हैं जिनका फिक्स पे होता है, तो उनका डी ए से कोई इशू नहीं है, मतलब उनको डी ए अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपन कर्मचारी को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ऊपर कैश एंड जी पी एफ एम्प्लॉई, जो इन कैश जो यानी कि जो एन पी एस कर्मचारी हैं उनको कैश मिलना है, और जो जी पी एफ कर्मचारी हैं उनकी जी पी एफ का जी पी एफ अकाउंट में जमा होगा, इसलिए अपन यहाँ पर जुलाई अगस्त उनके लिए भी सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्होंने जुलाई का पेमेंट नहीं लिया हो तो उनके डबल भी बन सकते हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त 2 महीनों का मिलना है, सेप्टेम्बर से कैश मिला था। और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर प्रोसेस डीए का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करेंगे, ये प्रोसेस, यहाँ पर जो मैसेज दे रहा है कि डीए सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है, डीए प्रोसेस सक्सेसफुली, ओके। अब इस रिपोर्ट को अपन देखेंगे, इसमें रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट में डीए रिपोर्ट, ऑल डीए रिपोर्ट, इसको क्लिक करेंगे। अब अपन ने जो भी बिल प्रोसेस किया है, यहाँ पर एक ही कर्मचारी था उसका बिल प्रोसेस हो चुका है, इसकी इनर रिपोर्ट देख लेते हैं अपन। अब यहाँ पर डाउनलोड इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एनपीएस कर्मचारी है इसलिए उसके अकाउंट में यहाँ पर कैश जमा हो रहा है 986 रुपया, 2 महीनों का 1972 रुपये उनके अकाउंट में कैश जमा होना है क्योंकि ये एनपीएस कर्मचारी है। तो इस तरीके से इस बिल को अब यहाँ से अपन डीडीओ को फॉरवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड टू डीडीओ, यहाँ पर डीडीओ फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि इसको चेक भी करना है, और जो अपन को प्रिंट लेना है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड आफ्टर ही निकलना है, इसको डीए इसको सेलेक्ट करेंगे, और जो अपना बिल है अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फॉरवर्ड टू डीडीओ, बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली, ओके। और इसी तरीके से आफ्टर चेक
यहाँ पर ट्रेजरी फॉरवर्ड का ऑप्शन है, बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, इसलिए इसके ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। और यहाँ पर रिपोर्ट में जाने के बाद में जो डीए ऑल रिपोर्ट है उसका प्रिंट अपन इनर आउटर हैं जो ऑल शेड्यूल वगैरह वो सारी चीज़ इसमें अपन निकाल लेंगे। और इस तरीके से अपन डीए का जो डिफरेंट एरियर है वो आसानी से बना सकते हैं। छोटी सी जानकारी थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।